पिघल चुकी है, अभी से मैं पी के खाऊं या खा के पीऊं? कितने का? 10 के 6 10 के 6। तेरे चाचा बैठे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज सुबह सुबह उठते ही ऊपर आ गई। नीचे ना बहुत ह्यूमिड हो रखा है आज, फिर से बहुत ज़्यादा। पता नहीं बारिश नहीं आ रही है क्या? बारिश आए तो मेरी मम्मी के कुकर में सीटियाँ आ रही हैं। वो किसी लड़की को देख के सुबह सुबह ही सीटी बजा। यार बारिश हो जाए तो अच्छा है, आज बहुत ह्यूमिड हो रखा है नीचे सुबह सुबह। तो मैं ऊपर आ गई अपना ब्रश लेकर। हम ऊपर अपने दांत साफ करेंगे, दांतों को मांजेंगे। मम्मी, ये कुकर की तेरी सड़ी हालत करके तुम क्या बना रही हो? दलिया बना रही हूँ। ऐसे दलिया तो नहीं बनाती हो? मेरी बन रही है सुबह सुबह चाय, ये मम्मी साफ कर रही है साफ, और यहाँ मम्मी का कुकर किसी लड़की को देख देख के सीटी मार रहा है बार बार। सो गाइस, यहाँ पर मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताना। वैसे ये सूट नहीं है यार, ये मेरा वन पीस है। आज ना प्रेस के लिए कोई कपड़े ही नहीं थे, तो मैंने सोचा क्या पहने क्या पहने क्या पहने, और सुबह सुबह प्रेस करने का टाइम नहीं था। तो ये मैं अपने वन पीस के नीचे ना लेगी पहन के और दुपट्टा ओढ़ के चली जाऊंगी। तो मेरा सूट आज का रेडी हो गया। दुनिया, तुझे कौन टीचर कहता होगा इसके नीचे लेगी लगा लो दुपट्टा डाल लो, क्या पता चल रहा है भाई? मम्मी के तो डायलॉग, मम्मी के तो ड्रामे चलते रहेंगे, अब हम स्कूल चलते हैं। सो गाइस, फाइनली आज का स्कूल का दिन हुआ हमारा खत्म। अब है फ्रूट टाइम। स्कूल का दिन खत्म का मतलब है कि मेरी सारी क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं। फाइनली आज मेरे सर से पूरी तरीके से बोझ हट गया है। आज मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क पूरी तरीके से अच्छे से प्रिंट प्रिंट करा कर डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया, तो पूरा बोझ आज हट गया है। बहुत बड़ा बोझ था ये मेरे सर पर। तो गाइस, फ्रूट्स हमारे हो चुके हैं खत्म। यहाँ पर सब कुछ मैंने अपना फैला रखा है, तो इसको समेटते हैं और फिर नीचे चलते हैं। अभी बहुत गर्मी हो रखी है यहाँ पर, आज बहुत ह्यूमिड हो रखा है, बहुत गर्मी हो रही है, मर गए हम तो। सो गाइस, हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और हमने अपनी आत्मा तृप्त कर ली है, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पी कर। पानी तो मिला ही नहीं स्कूल में। मेरी मम्मी ने तो उस दिन का डायलॉग रट लिया यार, अब ये भूलेंगी नहीं डायलॉग को, सारे टाइम मुझे ऐसी टोंट मारेंगी। क्या बनाया मम्मी आज? अच्छा हाँ, साग बना था। मैं कितनी भुलक्कड़ हो रही हूँ, सुबह सुबह मुझे पता चल गया था। मेरे लिए एक ही रोटी बना क्या खा लिया आज। हमें मिली थी ट्रीट, बहुत ही मस्त वाली। हमारे पेट में इसलिए नहीं है ज्यादा जगह। और ट्रीट में क्या था? पोहे के साथ में आइसक्रीम, जिसे खाकर हम बड़े हो गए हैं खुल खुल। हम तो नहीं खा सकते। तुम्हें पूछ कौन रहा है? खम्मा खाई, हम पूछ भी नहीं रहे हैं। अभी तो मैं तुम्हें चिड़ा चिड़ा के खाऊंगी, आधी बचा के लाऊंगी। गाइस, ये ना निंजा टेक्निक होती है अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने का। आधी खा के आई थी, आधी बचा के लाई थी। अब ये सारी गाइस पिघल चुकी है, अभी से मैं पी के खाऊं या खा के पीऊं समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अभी मोमोज खाने के लिए। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, मैंने बहुत दिन से खाई भी नहीं है। आज मौसम भी ठीक है, बाहर धूप भी नहीं है ना। धूप भी नहीं है ये। हाँ। मोटा मोटा छोड़ दिया खा के। ये क्या मोटा मोटा, देखना पूरे छिलके हैं, हरा हरा दिख रहा है। जो अच्छी चीज थी मैंने खा लिया। आओ देखो, खाने वाला मामला था वो मैंने सारा खा लिया है। कुछ भी बोले जा रही है, चाय मत बनाना मेरी, मैं जा रही हूँ मोमो खाने आज। गाइज, अपने मोमो के अड्डे पे हम पहुंच चुके हैं और ये आंटी मोमोज मेरा फेवरेट है। सो गाइज, मोमोज आ चुके हैं और अब हम इन पे टूट पड़ते हैं। फ्राइड नहीं आए, पर मुझे फ्राइड पसंद है, फ्राइड नहीं आए, ये सारे स्टीम आए हैं बर्बाद, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते स्टीम। जय हो गाइज हमारी। देखो खाने से पहले क्या रायता फैलाया, क्या खिचड़ी फैलाई। आया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया हमारा ना। फ्राइड तो लाया ने। फ्राइड वाला बंदा नहीं था, फ्राइड जो फ्राइड करता है ना वो बंदा नहीं। फ्राइड करता है नहीं, फ्राई करता है। फ्राइड फ्राइड ही नहीं होता, फ्राई होता है। पान नमक भी ज़्यादा है इसमें, पैसे बर्बाद हो गए यार। तीखा तो है ही नहीं। कितने का है? 10 के 6 10 के 6 तेरे चाचा बैठे। 100 रुपये बर्बाद हो गए, मज़ा नहीं आया। मेरा तो हो गया गाइस, मेरे से तो खाना हो नहीं रहा क्योंकि मैं मन से तो खा नहीं रही। बर्बाद है, अगली बार से यहाँ आना बंद। अगली बार से नहीं आएंगे, कोई नई दुकान ढूंढेंगे मोमो के लिए। ये सारा मैंने नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने। मिर्ची को शांत करने के लिए घर से लाए हम कुछ मीठा हो जाए।
तो गाइज मोमोज तो बहुत ही गंदे थे, आथू हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब हम खाएंगे कुल्फी आइसक्रीम ठंडी ठंडी। कुल्फी दे दो एक। तो गाइज हम आ चुके हैं घर मोमोज खाने के बाद। मोमोज थे भाई बहुत बेकार, बहुत घटिया, सड़े बर्बाद। बड़े थे तो बड़े मोमोज खाने वाली थी मम्मी। नहीं उन शॉप के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कैसे सड़े, आज बहुत बर्बाद थे। मैं कुछ 6-7 महीने बाद खाने गई थी और वो उसके मोमोज मुझे बहुत पसंद थे। वो 4 तरीके की चटनी देता था, प्याज वाली तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन आज उसमें इतना नमक फ्राइड वाले मिले नहीं। बर्बाद पैसे, बर्बाद मेरे, बहुत बर्बाद सड़े। पता नहीं क्यों, मतलब जिन लोगों की शॉप चल जाती है ना गाइस, वो बाद में फिर क्वालिटी जो है वो चीजों की गिरा देते हैं, वही उनके साथ हुआ। आइसक्रीम तो खा ले। हाँ यार मेरी आइसक्रीम रखी है, चल लाल ला के दे देना। ये जम गई या अभी भी या वैसी पिघली हुई है? तुमको नहीं देंगे हम ये आइसक्रीम बिल्कुल भी। यार मम्मी ये तो जमीन ही, ये तो अभी भी पानी का पानी धरा है, अभी से पीना पड़ेगा क्या सूप की तरह? अब ये जमी क्यों नहीं यार, इसे तो सूप की तरह पीना पड़ेगा। मैं तो आते ही पी लेती तो ही अच्छा रहता। तो गाइस हम अपने इस सूप को पीते हैं और अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।